हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइज, एक वैकेंसी आई है जो कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। ये वैकेंसी परमानेंट पोस्ट के लिए है, तो 7 CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल रहेगी। यहाँ से बिजनेस स्कूल, लॉ, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, आर्ट्स एंड सोशल स्टडीज, लैंग्वेज स्टडीज और भी कई फैकल्टी में बहुत सारे सब्जेक्ट से वैकेंसी है। कैंडिडेट को यहाँ पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई करना है। यहाँ कैंडिडेट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, इट मीन्स कैंडिडेट को ओनली इंटरव्यू के बेस पे सेलेक्ट किया जाएगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो गाइज, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइज, मैं कविता कुसुम अपने इस यूट्यूब चैनल कविता हर रू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको PhD एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप UGC नेट, सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये वैकेंसी आई है सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी कोलकाता से, ये वेस्ट बंगाल में है, फॉर्मली इसे JSS यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। इस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट sxuk.edu.in को ओपन करेंगे। उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाएंगे, देन आपका इस तरह का पेज आएगा। इसमें आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो 22 मार्च के डेट में आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा जो कि रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर फैकल्टी मेंबर के लिए है। इसके एडवर्टाइजमेंट को आप यहां से डाउनलोड करेंगे, देन ये पेज आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ अप्लाई करने के लिए इस PDF के लास्ट में आपको जाना है। यहाँ आपको क्लिक हियर ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपका इस तरह का पेज आएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा आपका। यहाँ रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन है, रजिस्ट्रेशन करने से पहले इसे आप जरूर रीड कर लेंगे। इधर आपको सारी डिटेल को फिल करना है, फैकल्टी, पोजिशन अप्लाइड फॉर, सब्जेक्ट, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल को फिल करेंगे। सबसे पहले आप फैकल्टी को ओपन करेंगे, देन आपका इस तरह का पेज आएगा। इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस फैकल्टी में अप्लाई करना चाहते हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, सेंट जेवियर बिजनेस स्कूल, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल स्टडीज, लाइक मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को सेलेक्ट कर रही हूँ। ये सेलेक्ट हो गया, देन आप पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए पोजीशन को ओपन करेंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर को सेलेक्ट कर रही हूँ। देन आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इसे आप ओपन करेंगे। इसमें कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था तो इसके अंदर में सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, कॉपरेटिव लॉ, बिजनेस लॉ है। इसमें आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, देन सारी डिटेल को फिल करेंगे, देन यहाँ पर टिक करके यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे। ओके गाइज, इस तरह से यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। आई होप किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस एडवर्टाइजमेंट की डिटेल को देखते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है। यहाँ पर 7 CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 14 रहेगी, एंट्री पे 1,44,200 रुपीज। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 13A रहेगी, एंट्री पे 1,31,400 रुपीज। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 10 रहेगी, एंट्री पे 57,700 रुपीज। यानी यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है इस डिटेल को देख लेते हैं। यहाँ पर डेजिग्नेशन दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट नेम, स्पेशलाइजेशन, एलिजिबिलिटी एंड लास्ट में पे स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले सेंट जेवियर बिजनेस स्कूल में वैकेंसी है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट। इसके लिए स्पेशलाइजेशन बिजनेस एनालिटिक्स है एंड यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंड आपका सेंट जेवियर लॉ स्कूल है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है इन लॉ सब्जेक्ट एंड इसके लिए ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देन वैकेंसी है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में फॉर प्रोफेसर, सब्जेक्ट है कॉमर्स, इसके लिए ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है इन कॉमर्स, इसके लिए ये एलिजिबिलिटी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉमर्स में वैकेंसी है इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन, लॉ में वैकेंसी है इन कॉपरेटिव लॉ एंड बिजनेस लॉ में, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ये एलिजिबिलिटी दी हुई है। नेक्स्ट फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल स्टडी, इसमें प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है इन साइकोलॉजी, इसके लिए एलिजिबिलिटी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है इन मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी।
देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है इन इंग्लिश, इसके लिए ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देन सेंटर फॉर लैंग्वेज स्टडीज में वैकेंसी है, इसके लिए फुल टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी मेंबर की वैकेंसी है। इन बिजनेस कम्युनिकेशन, इसके लिए ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एंड पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी मेंबर की वैकेंसी है इन बंगाली एंड हिंदी, इसके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ से आप अपर एज लिमिट को देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी मेंबर के लिए 45 इयर्स है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 इयर्स है। अपर एज लिमिट फॉर एसोसिएट प्रोफेसर मे बी रिलैक्स अप टू 55 इयर्स फॉर एक्सेप्शनली क्वालिफाइड कैंडिडेट। प्रोफेसर के लिए अपर लिमिट 55 इयर्स है। यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2024 5 PM है, जबकि हार्ड कॉपी रिसीट करने की लास्ट डेट 18 अप्रैल 2024 5 PM है। एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट के साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके इनक्लोज करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर के थ्रू सेंड कर सकते हैं, हैंड डिलीवरी नहीं है। ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर 18 अप्रैल 2024 5 PM तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो जानी चाहिए। देन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके गाइज, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अप्लाई करने से पहले इसकी फुल डिटेल को जरूर रीड कर लेंगे। यूनिवर्सिटी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड करके देख लें। अगर आप इलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें, अभी टाइम है अप्लाई करने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।